थर्ड, क्या बोल रहा है पार्ट थर्ड में, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय सेवन बैट्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर रुपी 3800, लेटर सी बाय थ्री बैट्स फाइव बॉल्स फॉर रुपी 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, ईच बैट का कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स रुपी है और ईच बॉल का वाई रुपी है। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू क्या है, रुपी एक्स एज्यूम कर रहे हैं, एंड ईच बॉल बराबर रुपी वाई। अब यहां देखो क्या बोल रहा है आपको, कि जब सेवन बैट और सिक्स बॉल परचेज किया जाता है तो टोटल कॉस्ट आ रही है 3800, तो सॉरी सेवन बॉल, सेवन बैट्स एंड सिक्स बॉल, तो सेवन बैट्स की कॉस्ट है एक्स, बॉल की कॉस्ट है वाई, तो प्लस सिक्स वाई बराबर 3800। एक तो इक्वेशन हमारी ये हो गई, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, थ्री बैट्स की कॉस्ट हो जाएगी थ्री टाइम्स एक्स, फाइव बॉल्स की कॉस्ट हो जाएगी फाइव टाइम्स वाई, और दोनों जब ऐड कर लोगे तो कितना हो रहा है 1750 बोल रहा है आपको, 1750, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है, रामानुजम। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है तो किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर लो। सो लेट्स सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू क्या करते हैं, वाई को एक्सप्रेस कर लेते हैं एक्स के टर्म में, तो वाई आपकी हो जाएगी 1750 माइनस थ्री टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय फाइव, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर थ्री। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम थ्री इन इक्वेशन नंबर वन, सो पुटिंग वाई फ्रॉम थ्री इन इक्वेशन नंबर वन, क्या आपको मिल जाएगा, देखो सेवन एक्स एज इट इज लिख लो आप, प्लस सिक्स वाई, तो सिक्स वाई की वैल्यू है 1750 माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय फाइव, ठीक है, बराबर कितना बोल रहा है, तो 3800। क्या करो, बेटर है कि फाइव से थ्रू आउट अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो थोड़ा आपका सिंपल हो जाएगा, ठीक है, थ्रू आउट आपका फाइव रिमूव हो जाएगा। तो अगर फाइव से मल्टीप्लाई करते हो, फाइव टाइम्स सेवन 35x, 35x प्लस सिक्स टाइम्स 1750 करोगे, अच्छा 175 टाइम्स टू क्या हो जाता है 350, ठीक है, तो 350 मीन्स 3500 हो गया। अगर टू से मल्टीप्लाई करते हो, 3500 को थ्री से मल्टीप्लाई करो तो 10500 हो जाएगा, 10500। उसके बाद माइनस सिक्स टाइम्स थ्री, सो 18x हो गया, माइनस 18x बराबर 3800, ओके, टाइम्स फाइव करेंगे, ठीक है, 3800 टाइम्स फाइव करना है, तो ये टू जब लोगे 1900 टाइम्स टेन, मतलब 19000 हो जाएगा, 19000, ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि 3800 वो क्या 1900 मल्टीप्लाइड बाई टू, और टू टाइम्स फाइव टेन हो गया, तो 19000 हो गया, ओके। अब यहां से देखो 35x माइनस 18x कितनी हो गया 17x, चलो ये हम लोग यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, चलो थोड़ा 17x बराबर 19000 माइनस 10500, तो 19000 में 10000 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, आपकी हो जाएगी 9000, 9000 में 500, तो आपका हो जाएगा 8500, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 17 टाइम्स 5 होता है 85, तो 500 x आपका आ गया 500। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से मिल जाएगी, सो फ्रॉम 3 y इक्वल टू 1750 माइनस 3x, मतलब 1750 3 टाइम्स 500 कितना हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 5। अब ये दोनों का डिफरेंस 250 आ गया, 250 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो क्या हो गया 5, सॉरी 250 डिवाइडेड बाय 5 50 हो गया, नॉट 5। अब देखो x की वैल्यू हमें मिल गई 500, y की वैल्यू मिल गई 50, फाइंड क्या करना था, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, तो आप लिख लो हेंस कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू रुपी 500 एंड ईच बॉल ये हो गई रुपी 50, ठीक है, बॉल की कॉस्ट 50 रुपए, बैट की कॉस्ट 5 रुपए, ठीक है,